मानसी राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सर, जैसा कि देखने में आ रहा है, देवास में दिन प्रतिदिन डेंगू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके लिए आपकी आगे क्या रणनीति रहेगी? निश्चित रूप से अभी डेंगू का केसेस सभी जिलों में बढ़ रहे हैं, देवास जिले में भी कुछ डेंगू केसेस निकले हैं। इसके लिए हमारे द्वारा एक जन अभियान चलाया जा रहा है। आम जनता में आईसी एक्टिविटीज़ के द्वारा बताया जाता है कि डेंगू कैसे फैलता है और हम इससे कैसे बचे रह सकते हैं। हमारे डीएमओ को हम प्रतिदिन से मॉनिटरिंग लेते हैं और डीएमओ के द्वारा जहाँ जहाँ पर पॉजिटिव केसेस निकलते हैं वहाँ पर संबंधित नगर पालिका से संपर्क करके, शहरी क्षेत्र में नगर निगम से संपर्क करके एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ का कार्य किया जा रहा है। और हम प्राइवेट सेक्टर पर भी निगाह रखे हुए हैं। अगर जो व्यक्ति कोई प्राइवेट सेक्टर में भर्ती रहता है तो सभी नर्सिंग होम को ये निर्देश दिए गए हैं, अगर आपके यहाँ पर कोई डेंगू का मरीज भर्ती होता है तो स्वास्थ्य विभाग को सूचित करेंगे। सर, देवास में पिछले कुछ महीनों से कोविड के केसेस बिल्कुल शून्य है, तो क्या देवास मान लें कि कोविड फ्री हो चुका है? निश्चित रूप से देवास में कोई भी कोविड पॉजिटिव केसेस नहीं है, ना ही कोई एक्टिव केस है। इसका परिणाम क्योंकि हम आम जनता को इतना जागरूक कर चुके हैं मीडिया के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा, आईसी के द्वारा, तो आम जनता में जब भी इस तरह के उनके सिम्टम्स वाले कोई केसेस आते हैं तो हमारे फीवर क्लिनिक पर जाते हैं और अपनी जाँच कराते हैं। हमारी सैम्पलिंग टीम जो है ना, हर जगह जा करके इन तरह के जो अगर कोई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के केसेस कुछ मिलते हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करती है और उसकी सैम्पलिंग करके हम टेस्टिंग कराते हैं। अभी तक हमारे पास कोई पॉजिटिव केसेस नहीं आया है। बाहर से यूके वेरिएंट के जो लोग भी ट्रांसपोर्ट कर बाहर से आते हैं उन पर भी निगाह रखी जाती है विभाग द्वारा। हमारे पास में एयरपोर्ट से जो है ना एक सूची आती है जिसमें कि देवास ज़िले में कितने लोग आने वाले हैं या आए हैं, हम उनकी भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं, उसमें भी कोई पॉजिटिव नहीं आया है। इस तरह से देवास के अंदर अभी पिछले 3 महीने से कोई पॉजिटिव केस नहीं है। सर, एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आती है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन लोगों ने अपनी अपनी टेस्टिंग के लिए लैब्स अलग अलग डिवाइड करके रखी है, दूसरी जो जांच होती है उनके लिए होल्ड कर दो। तो सर, उनकी प्राइवेट लैब से कॉन्टैक्ट्स हैं और यदि सेंट्रल लैब हो गई या फिर कोई ऐसी लैब हो गई जो उसी टेस्ट को कम पैसे में कर देती है तो सर वो वहाँ पर उस टेस्ट को देखने से मना कर देते हैं, तो सर उसके लिए क्या कार्रवाई हो सकती है? देवास में अभी ऐसा कुछ नहीं है, ये तो शासन द्वारा लैब निर्धारित की गई हैं, आईसीएमआर के उनके बाकायदा एक नॉर्म बने हुए हैं उसी द्वारा के द्वारा है ना लैब को अधिकृत किया जाता है। देवास में अमलतास लैब को जो अधिकृत किया गया है, हमारे सारे सैंपल्स गार्डी कॉलेज उज्जैन में जाते हैं, जहाँ जहाँ से मैप किया जाता है जिस डिस्ट्रिक्ट को, उस डिस्ट्रिक्ट की सारे सैंपल्स जो है ना उस लैब में जा करके भेजे जाते हैं। और यहाँ अगर प्राइवेट में भी कोई अगर टेस्ट कराता है तो निश्चित रूप से उस लैब को शासन द्वारा अधिकृत किया गया है, वहीं पे जाके टेस्टिंग होती है। जो भी डायग्नोस्टिक सेंटर्स के नाम पर स्वास्थ्य विभाग में पंजीयन कराते हैं और उनको इस तरह का अधिकृत किया जाता है, वो अपनी वहाँ पर जाँचें करेंगे। उसके जाँच करने के लिए वो किसी भी अगर कोई पेशेंट उनके पास आता है तो उसको मना नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर उनके पास में उस जाँच की सुविधा नहीं है तो ही वो दूसरी जाँच केंद्र के लिए भेज सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपना पंजीयन करा रखा है वो आम जनता को या जो भी पेशेंट्स आता है उसको जांच से मना नहीं कर सकते। अगर इस तरह कोई शिकायत आती है तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग उस पर कार्रवाई करेगा, मतलब लाइसेंस बिल्कुल रद्द वगैरह की जो भी कार्रवाई हो सकती है। एक क्वेश्चन और, उसका फिर मामला संज्ञान में आया था तो अभी उसकी क्या? सर, अभी कुछ समय पहले मामला आपके संज्ञान में आया था, पोस्टमार्टम रूम का जो फ्रिज था वो काफ़ी समय से बंद था, तो अब सर उसकी क्या स्थिति है? मैंने उसके बारे में आरएमओ से की संज्ञान में ली है, जैसे मेरे संज्ञान में आया उनके द्वारा बताया गया सर हमारे पास 2 फ्रीजर हैं, उसमें एक तो कार्यरत था दूसरा हमारा ख़राब था जिसको भी हमने रिपेयर करा दिया गया है, अब दोनों फ्रीजर हैं कार्यरत हैं। थैंक यू।